22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा से पहले 15 तारीख से हवन और राम कथा का कार्यक्रम किया जा रहा है। राम भद्राचार्य की तरफ से ये कार्यक्रम का आयोजन होगा और इसमें जिस प्रांगण में आयोजन किया जाना है उसमें बहुत ही ज़्यादा भव्यता नज़र आ रही है। आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ जो राम मंदिर का मॉडल रखा हुआ है ये अपने आप में आकर्षण का केंद्र है और इसको देखने के लिए अभी से लोग बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। ये एक तरफ की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसके अलावा सैकड़ों तस्वीरें यहाँ पर खूबसूरत देखने को मिलेंगी जो कि अपने आप में आकर्षण का केंद्र है और आने वाले समय में बेहतर और भव्य और नज़र आने वाली हैं। खास तौर से ये राम मंदिर का मॉडल है, भगवान राम की प्रतिमा है, इस तरह से जो है वो तमाम चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं जो कि लोग देखने के लिए आ रहे हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? महेश मिश्रा नाम है। महेश मिश्रा जी, क्या तैयारियाँ हैं और कब से कार्यक्रम की शुरुआत है? ये तैयारी हम लोग पिछले 2 महीनों से कर रहे हैं और ये कल से कार्यक्रम हमारा स्टार्ट होना है। 14 से 22 तक कार्यक्रम चलेगा। कल जगतगुरु जी का जन्मोत्सव है, कल गुरु जी 75वें साल में प्रवेश करेंगे तो उसी के उपलक्ष में 1008 कुंडीय हवन होना है। इसी के लिए हम लोग पिछले 2 महीनों से तैयारी कर रहे हैं। यहाँ भारत से ही नहीं विदेशों से भी लोगों का आना है और हमारे पास डेली 4 से 5 हज़ार यजमान डेली हवन करेंगे। 4 से 5 हज़ार रोज नए लोग हवन करेंगे? नए लोग हवन करेंगे, जो भी यजमान जिनके रजिस्टर्ड हुए हैं हमारे पास उनके सारे वो हैं, वो लोग डेली पूजा पाठ करेंगे, हवन करेंगे। यहाँ आप भीड़ देख रहे हैं, हम सुरक्षा को लेकर सिक्योरिटी हमारी टाइट है, यहाँ पुलिस प्रशासन भी है, हमारी खुद की सिक्योरिटी है। राम कथा का भी यहाँ पे पंडाल बनाया गया है। राम कथा 22 तारीख तक लगातार चलेगी, 9 दिन लगातार। इसमें कलाकार कौन कौन से आ रहे हैं? कलाकार इसमें जैसे नलिनी अवस्थी जी आ रहे हैं, हेमा मालिनी जी आ रही हैं और कुमार विश्वास आ रहे हैं, मनोज तिवारी हैं और रवि किशन जी हैं, ऐसे निरहुआ भी हैं, ऐसे बहुत से कलाकार हमारे आ रहे हैं, कन्हैया मित्तल जी हैं, तो बहुत सारे कलाकार। तो ये बहुत ही खूबसूरत पंडाल लग रहा है, इसको बनाने में बहुत वक्त लगा होगा? ये नवंबर से ही तैयारी चल रही है सर। हाँ, नवंबर से ही तैयारी चल रही है। तो ये कल 3 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी और उसमें तमाम लोग शिरकत करेंगे। 1008 कुंडी हवन किया जाएगा और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे। साधु संतों के ठहरने के लिए भी व्यवस्था मुकम्मल की गई है। कैमरामैन पंकज के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, अयोध्या।